महावीर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। दो सवाल है जी मेरे। पूछिए। एक तो जैतून का नमक जो है उसके मैंने 3 डिब्बे खा चुका हूँ मैं। पहले तो गोंदिये के साथ खाए तो वो गोड्डे गाड्डे उसका मेरा फायदा हो गया, गोंदिया बंद हो गया। फिर मैं अब इम्यूनिटी के नुस्खे के साथ लिया तो वो भी 5-6 भी ले लिया मैंने, उसका भी फायदा हो गया। अब मैं ये सौंफ सौंफ जीरा धनिया मेथी वाला इसके साथ लेता हूँ, 3 डिब्बे में खा चुका हूँ। तो ये जैतून का नमक एक तो ये बताओ भाई कितने दिन तक खाया जा सकता है, और ज्यादा मैं खाता ही रहूं या ना खाऊं, एक तो ये बताना है जी। ठीक है। एक मेरे ब्लॉकेज थे और उसके लिए मैंने ये नुस्खा बनाया था, ये इसका लहसुन अदरक नींबू ये इसका जैतून का छिड़का था। तो उसके साथ वैद्य जी ना हकीम जी ने वो मेरे को मीठा सौदा की चुट्टी और बताई थी उसमें डालने की, उसका डालने से मेरे को टेस्ट तो बढ़िया हो जाता है लेकिन मैं ज्यादा पतला हो गया जी, उम्र 73 साल है, वो ज्यादा नुकसान तो नहीं करते मीठा सौदा की चुट्टी? ठीक है, ये 2% बता जी। ज्यादा पतले घड़ी भी बहुत ढीली होने लगी हाथ में, यानी ज्यादा पतला हो गया, वैसे वजन तो ठीक है मेरे कद के अनुसार। ठीक है सर। तो उम्र के हिसाब से कमजोरी ना आ जाए ज्यादा, इसके बारे में ये दोनों प्रश्न आगे बता। ठीक है। अच्छा देखिए, आप बहुत समझदार और बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत खुलकर बात करते हैं और भगवान भी आपको बहुत मोहब्बत करता है। देखिए, आपको सारी बीमारियों में फ़ायदा दे रहा है और इस उम्र में इतनी बीमारियों को फ़ायदा होता नहीं है लेकिन भगवान ने आपको दिया। तो देखिए, सोडा आप न लेना चाहें तो न लें। आपने जो नुस्खा बना लिया है हार्ट ब्लॉकेज का, अदरक लहसुन और नींबू वाला और सिरके वाला, ये काफ़ी है। और मैं दरअसल ये चाहता हूँ कि आपको इत्मीनान आ जाए, इतना फ़ायदा आपको जल्दी से हो जाए कि आपको इत्मीनान आ जाए, और आप तो को तो खूब इत्मीनान है। तो सोडा चाहें तो न लें, और ज़्यादा उम्र में जैसे मेरी उम्र है आपकी उम्र है, इसमें जितना वज़न कम हो यकीन करें उतना ही अच्छा है। मैं भी अपना वज़न और कम करने के मूड में हूँ, तो वज़न कम होने की बात से परेशान ना हो, हम एक्टिव रहने चाहिए। हमें जितनी उम्र है उसके हिसाब से हम एक्टिव हैं कि नहीं हैं। और हार्ट ब्लॉकेज को तो आप भूल जाइए, जो आपने ये नुस्खा लिया है तो हार्ट ब्लॉकेज को तो बिल्कुल भूल जाइए। हाँ, कोलेस्ट्रॉल को ये निकालता रहता है नमक जैतून, तो आप हमेशा भी ले सकते हैं, ज़िंदगी भर भी ले सकते हैं, इससे 10-12 फ़ायदे होते हैं। नमक जैतून से 10-12 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये पेशाब खुलकर लाता है, लैट्रिन खुलकर लाता है, पेट में वर्म हो तो निकाल देता है, मैदे पे वर्म हो तो निकाल देता है, बवासीर हो तो वो ठीक कर देता है, आंतों में वर्म हो तो निकाल देता है, स्किन की प्रॉब्लम हो हमारी स्किन की तो उसको भी अच्छा कर देता है, हमारे लीवर पे कोई परेशानी हो वो दूर कर देता है। पीलिया के लिए जॉन्डिस जिसे कहते हैं उसकी तो 4-6 खुराक काफ़ी हैं, आदमी को जॉन्डिस होने ही नहीं देता। लीवर बढ़ जाता है उसको अच्छा करता है, किडनी की सफाई रखता है, खून को साफ करता है और हार्ट ब्लॉकेज को भी खोलता है जी। जैतून के नमक का इस्तेमाल कब तक करेंगे? हाँ, जब तक चाहे कर सकते हैं, इसे ज़रूरत पड़े तो ज़िंदगी भर भी किया जा सकता है जी।